रिकॉर्डिंग अच्छा, इसके कौन से क्वेश्चन कर लिए थे हमने, पहला दूसरा, अब यस तीसरा स्टार्ट हाँ करना है, थर्ड करना थर्ड जी स्टार्ट करना है। ठीक हो गया, थर्ड जी का कौन सा पार्ट है? सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। यस सर ओके अच्छा, अभी इसमें हमारे पास अब देखना है हमने, मैं बुक खोल के देखता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है उसकी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कहता है इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय शेडिंग। वही शेडिंग ही करनी है जस्ट, है ना। अब ये देखें इस क्वेश्चन में भी, अब हमारे पास तीन दे दिए उसने, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। अब एक्स पॉजिटिव का मतलब इधर हमारे पास है ना, एक्स पॉजिटिव का मतलब थोड़ा सा मैं इस पे बता देता हूँ, जब भी ये वर्ड आएगा एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो किस साइड पे होता है, ये जीरो है और ये ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वाली साइड, ठीक है ना, ये वाली साइड। अगर यही कहता एक्स लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, तब हमने शेड कर देनी थी ये वाली साइड, दूसरी साइड। इसी तरह दूसरा हमारे पास आता है वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, तब हमने शेड करनी होती है अपर साइड, मतलब वाई की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ होती है और जीरो से बड़ी और जीरो के बराबर इधर तक। और अगर यही कहता कि वाई की वैल्यू आपके पास है वाई लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, तो फिर आपने शेड करना था ये नीचे वाला पोर्शन, मतलब इससे बाहर नहीं जाना, जो भी ग्राफ आएगा वो इसके अंदर ही रखना है। अगर वो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, जितना भी आ रहा है, वो ग्राफ हमने इसके अंदर ही रखना है। अब इसमें ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है एक्स, कह रहा है एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो उसका ग्राफ है वो कौन सी साइड पे होगा, राइट साइड पे। अगर उसकी मतलब लेफ्ट साइड पे भी बनेगा, हमने उसको नहीं काउंट करना, हमने जस्ट कौन सा काउंट करना है, राइट साइड वाला। इसने ये हमें बाउंड कर दिया कि इसका ग्राफ कौन सा है हमारे पास, राइट साइड वाला। उसी तरह हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन, और दूसरा क्या था हमारे पास, कोई बताएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, तो इनक्वालिटीज खत्म करके हमने इक्वालिटी लगा लेनी है उसकी भी और इसकी भी, तीनों की हमने इक्वालिटी लगा ली। फिर उसी तरह फर्स्ट में हमने जीरो पुट किया, तो वाई का आंसर क्या बन गया, 5। फिर वाई जीरो पुट किया तो हमारे पास एक्स का आंसर क्या आ गया, वो भी 5। अब इसमें हमारे पास जब एक्स जीरो पुट करेंगे तो वाई का आंसर 2, जब इसमें हम एक्स पुट करें वाई पुट करेंगे जीरो, तो वाई का आंसर क्या बनेगा, वाई का आंसर हमने जीरो पुट किया तो एक्स का आंसर इधर से बन जाएगा -1। ये पॉइंट्स आ गए और ये इक्वालिटी इक्वल टू जीरो। अब ये देखें, ये पॉइंट हमने ड्रा करने हैं इस पे, ये देखें उसने पॉइंट ड्रा किया हुआ है, एक मिनट मैं इसको रेज करता हूँ।
ये देखें, ये फर्स्ट पॉइंट उसने 5 और 0 जो हमने ये मालूम किया है, और दूसरा इसके साथ पॉइंट कौन से हैं, 0 और 5, इन दोनों को एक लाइन के जरिए हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हमने इसको कह दिया नंबर वन लाइन है, ठीक हो गया। फिर दूसरे के जो पॉइंट्स दूसरी लाइन में से हमने पॉइंट्स निकाले हुए हैं वो 0 2 और -1 0, ये देखें ये आ गया 0 2, 0 एक्स की वैल्यू, 2 पॉजिटिव वाई की वैल्यू ऊपर, और -1 एक्स का आंसर -1 और वाई इधर 0 होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के हमने इस क्वेश्चन को कह दिया, इस लाइन को कह दिया नंबर 2 लाइन, क्रॉस कर दिया। अब हमने चेक करना है कल इसके टेस्ट पॉइंट किए थे। टेस्ट पॉइंट कैसे चेक करते हैं, एक मतलब एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, एक मतलब वाई की, नहीं इसमें दोनों की, दोनों टेस्ट पॉइंट में हमने करना है दोनों वैल्यू 0 पुट करनी है, एक्स की भी और वाई की भी, और देखना है कंडीशन क्या आती है, ट्रू आती है तो रीजन की तरफ हमने शेड करना है, अगर फॉल्स आती है तो रीजन से अवे फ्रॉम रीजन। ये 0 लेस देन एंड इक्वल टू 5, इसका मतलब ये ट्रू है, 0 छोटा ही होता है 5 से। तो ये देखें इसकी शेड हमने किस तरफ की है, ये वाली इसकी शेडिंग ये आ गई, ये शेडिंग होगी किसकी, ये लाइन फर्स्ट की। फिर उसके बाद दूसरी लाइन जो है हमारे पास, उसमें भी 0 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या बनेगा, 0 -0 लेस देन एंड इक्वल टू 2, वो भी ट्रू है। तो इसका मतलब उसका भी आंसर किस तरफ मूव करेगा, उसका आंसर मूव करेगा रीजन, अब रीजन ये है हमारे पास, अब रीजन ये है, इस तरफ मूव करेगा, ये ऐसे मूव करता रहेगा सारा। लेकिन हमें कौन सा एरिया चाहिए, अब ये जो उसने कंडीशन लगाई हुई है एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब राइट साइड वाली, राइट साइड के लिए हम ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब ये वाली साइड, अब हमने वो वाला पोर्शन देखना है जिनमें ये तीनों पार्ट्स कॉमन आ रहे हो, और जस्ट ये लाइन को क्रॉस ना करे, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है ना इधर ना आए, और तीनों पॉइंट्स इनके आ जाएं इधर। वो कौन सी लाइन है, वो ये वाली जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन मैंने शेड कर रहा हूँ ना, ये सारे का सारा पोर्शन आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें तीनों लाइंस भी आ रही हैं। ये वाला पोर्शन हमने मतलब बाकी लाइनें लगी रहेंगी, लेकिन इन लाइनों को हमने क्या कर देना है, ज्यादा डार्क सर्कल कर देना, मतलब शेड कर देना पेंसिल के जरिए, लेड पेंसिल के जरिए। लाइनें बाकी लगी रहने दो, कोई मसला नहीं, लेकिन इस पोर्शन को हमने शेडेड कर देना। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अली क्लियर है? यस सर। चलें सही हो गया। अच्छा अभी नेक्स्ट, अगर इसमें से ही पूछता है ना कॉर्नर पॉइंट्स का, नेक्स्ट आना है टॉपिक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट का। तो कॉर्नर पॉइंट्स बेसिकली ये होते हैं जो शेडेड एरिया होता है ना, शेडिड एरिया के जो इर्द गिर्द पॉइंट्स आ रहे हो, मतलब शेडिड एरिया को आपस में टच कर रहे हो। मैं इधर से कलर लेता हूँ ये, अब ये देखें एक ये कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा इसका, एक कॉर्नर पॉइंट इसका ये बन जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये ओरिजिन बन जाएगा इसका, एक कॉर्नर मतलब जहां पे दो लाइंस आपस को एक दूसरे को टच कर क्रॉस कर रही हो ना, उनको हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। इनमें कॉर्नर पॉइंट मेन मेन कौन से आ गए हैं, 5 और 0 जो सीधे सीधे आ रहे हैं, इधर से 0 0, इधर से ये 0 2, ये एक कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा इधर से, ये वाला इसका हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कौन सी बन रही है इसकी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इनके कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हैं, जो हम मैट्रिक में करते आए हैं, वो जब हम करेंगे ना दूसरा पोर्शन इसका कॉर्नर पॉइंट का। अगला क्वेश्चन वही है, नेक्स्ट इसका कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड, इसका थर्ड पार्ट आ गया। ओके, उम्मीद है कि हो जाएगा।
अच्छा अभी ये देखें, अब इसमें कंडीशन उसने दे दी है वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अच्छा ये बात याद रखें कि इसमें ना वो पूछ लेता है, जैसे वो क्वाड्रेंट नहीं बनाते हम, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ, वो ये भी एमसीक्यूज पूछ सकता है। ये दो कंडीशन दे के ना, ये दो कंडीशन देने के बाद वो क्वाड्रेंट पूछ सकता है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे अब अगर वो इधर कंडीशन देता है एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है? पॉजिटिव, फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव, सेकंड वाले में क्या होता है? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये कंडीशन वो इस स्टेटमेंट से पूछता है एमसीक्यूज, मतलब इसी तरह उसने पूछ लेना एक्स लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? y पॉजिटिव और x नेगेटिव हो, वो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। अब ये आ गया हमारे पास y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसका ग्राफ किस साइड पे बनेगा? ऊपर वाली साइड पे, अपवर्ड बनेगा हमारे पास, अपवर्ड या डाउनवर्ड, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे, वो चार ही होते हैं हमारे पास। अब इसने हमें बता दिया कि इसका ग्राफ बनना है अपवर्ड, नीचे की तरफ कोई भी नहीं हमने लेके आना। अब इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी जनरेट की, इक्वालिटी आ गई दोनों की। अब इसमें उसी तरह जीरो पुट किया एक्स की जगह तो वाई का आंसर पाँच, वाई की जगह जीरो पुट किया तो एक्स का आंसर पाँच, इसमें एक्स जीरो पुट किया तो वाई का आंसर माइनस वन, वाई जीरो पुट किया तो एक्स का आंसर वन। अब इनको देखते हैं हम इधर, एक ही डायग्राम में हमने इकट्ठी करनी है, मतलब उनकी लाइनें शेड कर देनी ना। ये देखो ये हमने बना ली है ना, ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, अब इन पॉइंट्स को हमने यूटिलाइज करना है इसमें। अब ये देखो पहली जो है 05 और 50, ये आ गई 05, ये 50, इसको एक लाइन बना दिया, ये नंबर वन क्वेश्चन की लाइन बन गई। अब दूसरी क्वेश्चन की लाइन जो है हमारे पास वो कौन सी थी? 0 माइनस 1 1 और 0, ये देखो ये 0 1 1 0 आ गया और माइनस वन जीरो नीचे होगा ना, 0 माइनस 1 वाई की, ये दूसरी लाइन आ गई हमारे पास, ये एरो डाल देना हम, ये लाइन चलती जाती है आगे, ये दूसरी लाइन आ गई। अब ये दोनों लाइंस को हमने टेस्ट पॉइंट करना है, टेस्ट पॉइंट करने के लिए हम कलर इधर देते हैं इनको, और 0 0 पुट किया तो 0 लेस देन, सॉरी ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, ये देखें 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 होता है, नहीं ये हो गया फॉल्स। अब ये इसका जो ग्राफ बनना है वो किस तरफ बनना है? अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब अगर ओरिजिन की तरफ, अगर ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ हमने शेड करना था। अब ये ग्राफ हमने किधर शेड करना है? ओरिजिन से दूसरी तरफ, ये देखो ये मैं शेड करता हूँ इस लाइन से, ये हो गया। फिर दूसरी का हमने देखते हैं, दूसरे का हमारे पास है इधर आ रहा है, दूसरे का 0 माइनस 0 0 होगा ग्रेटर 0, ये भी फॉल्स हो गया, 0 बड़ा नहीं होता एक से, तो इसका भी ग्राफ किधर बनना है? अब ये लाइन थी इसकी, वैसे तो बनना था अगर ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन की तरफ ऐसे ऐसे, अब ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन नीचे की तरफ, ओरिजिन से दूसरी तरफ। और जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में हमारे पास उसने मेंशन किया हुआ है y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसका ग्राफ कौन सा कहाँ पे बनना है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ऊपर की तरफ। अब तीनों का देखना है पोर्शन कॉमन, कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? जब कॉमन पोर्शन देखते हैं तो हमारे पास ये आता है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसको शेड कर देना है, शेड करने के बाद हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास इसका जो कॉमन पार्ट आ गया था वो ये बना दिया हमने, ठीक हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट की, एक कॉर्नर पॉइंट ये जो दोनों लाइनों को सोल्व करने के बाद आएगा, एक दूसरा ये